सुशांत सिंह राजपूत केस में आज के बाद कोई सवाल नहीं बचेगा। आज मैं पूरे देश को बताने जा रहा हूं कि सुशांत को मारने की साजिश किस दिन हुई। सुशांत सिंह राजपूत ने मामला होने के बाद कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे को कई बार लोगों ने ट्रोल करा और बोला ही जाता है कि सुशांत मामला होने के बाद अंकिता लोखंडे का एक स्टेटमेंट जो लोग आज भी नहीं भूले हैं कि वो दिशा को नहीं जानती हैं, पर कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे एक बार फिर से ट्रोल होने को तैयार हैं क्योंकि लोग उनको ट्रोल करने वाले हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं वो आपको आगे बताएंगे, क्योंकि अंकिता अब लगातार क्या संदीप के साथ दोस्ती दिखा रही हैं, क्या संदीप के प्रोडक्शन हाउस में अब अंकिता लगातार काम करने वाली हैं, ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा दावा कौन कर रहा है आपको बताएंगे। और इसी के साथ बताएंगे कि आखिरकार सुशांत केस में रिया पर बहुत सारे सवाल उठे थे, पर आज वही रिया चक्रवर्ती अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, आराम से, कोई इशू नहीं है। तो आखिरकार क्या समझा जाए, कि सुशांत मामला सॉल्व हो गया है, इस मामले में कुछ नहीं निकल के आया है, या फिर रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी गई है। अब क्योंकि रिया पर इतने गंभीर सवाल उठाए गए थे देश की मीडिया के द्वारा और वहीं पर एनसीबी जैसी एजेंसीज ने रिया को गिरफ्तार भी किया था, अब कहीं ना कहीं इतनी बड़ी एजेंसी रिया को गिरफ्तार करे, देश की मीडिया लगातार रिया पर सवाल उठाए और एक वक्त ऐसा आ जाए कि रिया चक्रवर्ती अपनी लाइफ अच्छे से इंजॉय कर रही हैं, तो लगता तो ऐसा ही कि सुशांत मामला लगभग ओवर हो गया है और रिया को क्या क्लीन चिट मिल गई है, सबके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई सारी चीज़ें निकल के आई थी, जैसे कि कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सुशांत के घर पर रहने वाले स्टाफ मेंबर पर सवाल उठा, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि अंकिता के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे, सुशांत के पुराने फ्लैट को लेकर सवाल उठे थे। और अंकिता और संदीप की जो दोस्ती है वो कहा जाता है कि पुरानी है, हाल ही में अंकिता ने संदीप की फिल्म वीर सावरकर में काम किया और कहा जा रहा है कि फ्री में काम किया, पैसे नहीं लिए। अंकिता ने कहा मेरा दोस्त है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो भैया मैंने पैसे नहीं लिए। और साथ में संदीप सिंह कहते हैं अंकिता मेरी दोस्त नहीं, मेरी परिवार जैसी है। तो कहीं ना कहीं दोनों की दोस्ती बहुत गहरी बताई जा रही थी, पर अब ये दोस्ती कितनी गहरी है ये आपको आज पता लगेगा। वो कैसे, आपको एक रिपोर्ट हम बताने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे संदीप सिंह के वेब शो अम्रपाली में नजर आएंगी, अंकिता लोखंडे सामने आया अभिनेत्री का लुक। मतलब कहा जा रहा है कि संदीप सिंह का एक वेब शो आ रहा है अम्रपाली नाम का, उसमें अंकिता लोखंडे नजर आएंगी और पहला लुक सामने आ गया है। आपके सामने हमने फोटो शेयर कर रखी है, आप देख सकते हैं यही है पहला लुक। अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के कहा जा रहा है कि सितारे बुलंदियों पर हैं, इन दिनों फिल्म वीर सावरकर में अपनी भूमिका के लिए वह खूब कहा जा रहा है कि तारीफ बटोर रही हैं। इस बीच उनके वेब शो का भी ऐलान हो गया है, अंकिता संदीप के वेब शो में नजर आएंगी, इसमें वह अम्रपाली की भूमिका निभाएंगी। शो से कहा जा रहा है कि आज उनके लुक का खुलासा हो गया है, निर्देशक संदीप सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट साझा करके शो के बारे में जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे की यहाँ चांदी हो गई है, बोला जा रहा है कि शो का नाम अम्रपाली है, ये शो अम्रपाली पर आधारित है। संदीप सिंह ने अपने कदरे की आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट साझा करके लिखा है कि अम्रपाली के रूप में अंकिता लोखंडे का लुक वेब सीरीज अम्रपाली में कहा जा रहा है कि नगर वधु की कहानी को पेश करेगी, भावनाओं और चुनौतियों से भरी अम्रपाली की यात्रा को दिखाएगी। फिल्म वीर सावरकर के यह निर्माता संदीप सिंह ने अंकिता की जमकर तारीफ की है। संदीप का कहना है कि अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर अम्रपाली इतिहास के सबसे कहा जा रहा है कि मजबूत किरदारों में से एक हैं। इस भूमिका के लिए मुझे अंकिता के अलावा कोई समझ नहीं आया, उन्होंने फिल्म वीर सावरकर में अपने शानदार अभिनय से सबको चौंका दिया है, इस कहा जा रहा है कि भूमिका के लिए बिल्कुल सही चयन है संदीप का कहना है, क्योंकि उनमें एक कहा जा रहा है कि आकर्षक राजकुमारी और नगर वधु ये सभी गुण हैं। इसके अलावा अंकिता डांसर भी हैं, अंकिता अपनी आँखों के जरिए बड़ी खूबसूरती से भावनाओं को जाहिर करती हैं, यही किरदार कहा जा रहा है कि संदीप सिंह को पसंद आया है और उनका कहना है कि इस किरदार को निभाने के लिए जो जरूरी है वो सब अंकिता लोखंडे के पास है। वहीं अंकिता लोखंडे का कहना है मुझे वीर सावरकर में कहा जा रहा है कि यमुना बाई की भूमिका के लिए दुनिया भर से तारीफ मिली है, मुझे मजबूत किरदारों वाली फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन मुझे सूझबूझ से कहा जा रहा है कि चुनाव करना है। वीर सावरकर के बाद अब अम्रपाली में नज़र
आऊंगी, इसके बाद जल्द ही कुछ और शानदार प्रोजेक्ट्स का चयन होगा। मतलब अंकिता लोखंडे की लॉटरी लग गई है, अब यही समझ लीजिए। क्योंकि जिस प्रकार कहा जा रहा है कि अंकिता और संदीप की दोस्ती दिखाई दे रही थी, अब इसी के बीच बोला जा रहा है कि अंकिता लोखंडे को लगातार प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और अंकिता लोखंडे की लगभग लॉटरी लग चुकी है, क्योंकि अब उनके पास और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं शुरुआत उनके दोस्त संदीप ने कर दी है। पहले कहा जा रहा है कि उनको वीर सावरकर फिल्म मिली है जो संदीप सिंह की थी, अब कहा जा रहा है कि संदीप सिंह का एक वेब शो आने वाला है अम्रपाली नाम का, उनमें कहा जा रहा है कि उनको एक बड़ी भूमिका मिल गई है। और अंकिता का साफ कहना है कि भैया जल्दी मुझे और भी कुछ प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं जिसका मैं चयन करूंगी और मुझे ऑफर्स तो आ रहे हैं। तो अंकिता लोखंडे की चांदी हो गई है बिग बॉस से आने के बाद या फिर सुशांत के बारे में बात करने के बाद, ये आप डिसाइड करिएगा। वहीं पर कहा जा रहा है कि एक खबर और निकल के आ रही है कि रिया चक्रवर्ती, जिनके ऊपर कई सारे सवाल उठाए थे NCB, ED और साथ में कहा जा रहा है कि CBI ने तो उठाए नहीं थे पर जनता ने बहुत उठाए थे, अब कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अपनी कुछ फ़ोटो शेयर कर रही हैं जहां पर रिया की फ़ोटो देखने के बाद लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं क्या लुक है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए, एक तरफ रिया चक्रवर्ती को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए, एक तरफ रिया चक्रवर्ती को लेकर कहा जा रहा है कि NCB ने उनका नाम चार्जशीट में लिख लिया, एक तरफ NCB ने उनको गिरफ्तार किया, एक तरफ कहा जा रहा है कि ड्रग्स लेने देने की बेचने बेचने की बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई सामने। और आज हम क्या देख रहे हैं कि वही रिया चक्रवर्ती फ़ोटोशूट करा रही है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि किस प्रकार शक्तिमान हमारे, जी हाँ, मुकेश खन्ना जी ने भी एक वीडियो जारी करी है यूट्यूब पर, जहाँ पर उन्होंने सुशांत केस के लिए फिर से आवाज़ उठाई है और उन्होंने एक बात बोली है कि भैया रिया के पीछे बहुत लोग हैं, अकेली नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर रिया के पीछे बहुत लोग हैं तो वो कौन है, और अगर कोई नहीं है तो रिया क्या यहाँ पर बेगुनाह है। रिया के ऊपर गलत आरोप लगे थे तो क्लियर करने चाहिए। अब ना क्लियर किए जा रहे हैं कोई आरोप कि सही आरोप थे रिया पर, ये गलत थे, या फिर सुशांत किसका क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को लेकर कोई अपडेट दी ही नहीं जा रही है। तो कैसे पता लगेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर कौन सही है कौन गलत है। अब ये तो आने वाले वक्त में पता लग पाएगा कि आखिरकार सुशांत केस सॉल्व होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्या ये मामला जल्दी सॉल्व होगा या फिर ये मामला पेंडिंग पड़ा रह जाएगा। इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब के लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी कहा जा रहा है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है, प्रोवाइड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उनके साथ जुड़िए, उनको भी सपोर्ट करिए, उन चैनल्स को भी। और टेलीग्राम चैनल का फ़ायदा आपको होगा ऐसे कि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा यूट्यूब का हमारे चैनल्स का वीडियो आने के बाद, तो हम वीडियो अपलोड करते हैं टेलीग्राम पर, लिंक शेयर कर देंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप वहाँ पर भी जुड़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।